दिस इज साइंस पीरियड एज यू नो चैप्टर, जैसे कि आपको पता है एनिमल्स लाइफ स्टाइल के बारे में कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में एक बार फिर से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। हैबिटेट, फाइव टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन्स, ओशियंस, फ्रेश वाटर। ओके, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन दैट्स इट मीन्स ब्रीथिंग। ओके, वाटर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, फीडिंग, खाने के आधार पे जानवरों को कैटेगराइज कराया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने कल आप लोगों को पढ़ाया बॉडी कवरिंग। ठीक है, बॉडी कवरिंग फीदर्स होते हैं, फर होते हैं ना, स्किन्स होती हैं, इस तरीके से कुछ जानवरों के सेल्स होती हैं, सेल होती हैं, कुछ जानवरों को स्केल होती हैं। ठीक है, मूवमेंट, जानवरों के चलने के तरीके बताए थे, है ना, उनके फोर लेग्स होते हैं, आगे वाले को फ्रंट लेग्स यानी कि फोर लिम्स कहा जाता है और पीछे वाले लेग्स को बैक लिम्स कहा जाता है जिसके हिंड लिम्स कहते हैं, है ना। कुछ ऐसे जानवर जो सिर्फ फ्लाई करते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स के सिक्स लेग्स होते हैं, ऐसे तो फोर लेग्स वाले जानवर हैं। ठीक है, बर्ड्स के टू ही लेग्स होते हैं, ऐसे कुछ जानवर कल मैंने बताए थे जो स्विम करते हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं। कैसे फीट होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। वाटर एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर कल मैंने बताए थे जैसे फिशेस, फिन्स होते हैं, टर्टल के पैडल्स होते हैं, है ना, ये भी लिम्स के थ्रू वाटर में स्विम करता है, है ना। तो ऑक्टोपस आर्म्स, उसकी एट आर्म्स होती हैं, उसकी हेल्प से वो करता है। पेंगुइन्स और सील्स के फ्लिपर्स होते हैं, उससे वो स्विम करते हैं। फ्रॉग के वेब्ड फीट होते हैं जिसके वो उसी से पानी में मूव करता है। तो अलग अलग जानवरों का अलग अलग मोमेंटम दिखाया गया है, लेकिन आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है वन एनिमल्स मूव टू अनदर रीजन्स विद दियर सुइटेबल एनवायरमेंट। यानी कि माइग्रेशन को हम डिफाइन करेंगे एज ए मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले रीजन्स मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशन इन दियर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, ये एनिमल्स माइग्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वहां की हैबिटेट कंडीशंस आसानी से सपोर्ट करते हैं लाइफ को, जीवन यापन के लिए। ठीक है, आइदर द वेदर बिकम्स टू कोल्ड आर टू हॉट आर अवेलेबल फूड बिकम्स स्केयर्स। ठीक है, उनको आसानी से वहां पे यदि मौसम ज्यादा ठंडा या फिर ज्यादा गर्म या फिर उनके अकॉर्डिंग फूड वहां पे आसानी से नहीं मिलता है, सॉरी मिल जाता है। ठीक है, यूजली द वर्ड माइग्रेशन इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। ये मोस्टली बर्ड्स से रिलेटेड होता है ना, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स है, ये मूव करता है। इसको अगर जहां पे रहता है जैसे कि ठंडे स्थानों पे रहता है, तो अब ये ठंडे स्थानों पे ही जब यहाँ का मौसम अगर हॉट होना शुरू हो जाएगा तो ये कोल्ड एरिया में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, द बर्ड्स दैट माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये बर्ड्स जब माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड दियर माइग्रेशन टू एस्केप कोल्ड वेदर कंडीशन एंड टू फाइंड फूड। कोल्ड वेदर कंडीशंस और उनको भोजन की तलाश के लिए। दे कम बैक टू द ओरिजिनल हैबिटेट ईच ईयर। वो जाते तो हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम द आर्कटिक सर्किल टू द अंटार्कटिक सर्किल एंड बैक टू द आर्कटिक सर्किल। ठीक है, ये आर्कटिक टर्न मेक
जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन है आर्कटिक सर्किल से अंटार्कटिक जाते हैं, और फिर वो अंटार्कटिक से आर्कटिक सर्किल में आ जाते हैं। ठीक है, साइबेरियन क्रेन कम टू इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड। साइबेरियन जो क्रेन्स हैं इंडिया हर साल आते हैं ठंडी के मौसम में। ठीक है, जैसे कि फिशेस भी हैं, जैसे फिश लाइक सैलमॉन, सैलमॉन डिपेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द सी। जैसा कि आपको पता है सैलमॉन सी मोस्टली जो है सी में अपना रहना पसंद करती है। इट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द रिवर टू ले एग, लेकिन अपने अंडों को देने के लिए कितना लंबा ट्रेवल करती है, रिवर पहुंचती है। व्हेन द एग हैच द यंग सैलमॉन ट्रेवल बैक टू द सी। फिर से ये जो इसके बच्चे होते हैं ये फिर से सी में आ जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये मोस्टली तो सैलमॉन जो फिश है ये समुद्र में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जन्म नदियों में देती है, और फिर ये नदियों के जो बच्चे होते हैं जब ये अंडे दे के बच्चे बन जाते हैं तो ये फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि सम अदर एनिमल्स लाइक कैरिबाउ, एल्क, बैट, व्हेल्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, है ना। ये जैसे कि कैरिबाउ, व्हेल, है ना, बैट्स, ये भी अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और फिर जब उनका सीजन आ जाता है तो फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मोनार्च बटरफ्लाई भी है, एमंग इंसेक्ट बटरफ्लाई एंड मूथ आल्सो माइग्रेट, है ना। इंसेक्ट्स में जैसे बटरफ्लाई और मूथ ये भी माइग्रेट करते हैं। ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज मोनार्च बटरफ्लाई दैट माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको इन विंटर, यानी कि कनाडा से मैक्सिको जाती है ठंडी के मौसम में, ट्रेवल करते उड़ के जाती है, माइग्रेट करती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कौन कौन से माइग्रेशन में होते हैं, जैसे कि क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स करते हैं, सैल्मोन फिश, है ना, कैरबाओ, वेल, मोनार्च बटरफ्लाई एंड मोथ। ठीक है, लेट्स सी द एक्सरसाइज। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, बटरफ्लाई सॉरी बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फीदर्स, ए बियर इज ए ओमनीवोर, पेंगविन एंड सील स्विम विद फ्लिपर्स। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज विल कम। ओके, राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इंसेक्ट्स हैव 10 लेग्स, फॉल्स कितनी होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। फ्रॉग हैव वेब्ड फीट, ट्रू। फ्रॉग के कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। स्नेक्स हैव विद द हेल्प ऑफ दियर स्केल्स, स्नेक्स जो मूव करता है स्केल्स के थ्रू मूव करता है, ट्रू। ऑक्टोपस मूव्स विद इट्स 8 आईज, आईज नहीं आर्म्स, ये फॉल्स हो जाएगा। व्हेल्स आर मैमल्स सो दे ब्रीथ विद दियर लंग्स, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट जरा देख लो कौन कौन से ट्रू कौन कौन से फॉल्स हैं। करेक्ट वर्ड्स, जेकॉल्स आर रोडेंट आर स्कैवेंजर्स, तो स्कैवेंजर्स है ना, ये बुक में ही कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ए डक इज ए फिश आर बर्ड्स, तो डक क्या है, बर्ड्स हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स कॉल्ड हर्बीवोर्स, इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, ब्रीथ थ्रू स्पैरकल्स, लायन या इंसेक्ट, इंसेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गिव रीजन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आपको कॉपी में कराया दिया जाए, PDF अवेलेबल कराई दी जाएगी, तब आपको इसमें से वर्क कंप्लीट करना है। क्लियर, तो आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आ गई ना, कैसे करना है, ये सिर्फ बुक में ही करना है, जब आपको दिया जाएगा आप तब बुक से कॉपी में करोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।